सोनम वांगचुक हमारे साथ मौजूद है चंडीगढ़ में। सोनम जी, किस उद्देश्य से निकले हैं लेह से पैदल मार्च करते हुए? मैंने तो सोचा आपके जो सात लोग थे पैरों में छाले भी पड़ गए उनके। पड़े हैं, बहुत हर एक के पड़े हैं अलग अलग समय पे। मेरे बहुत पहले पड़ गए थे, अब कम हुए हैं। तो हम, ये 27वां दिन है, पहला सितंबर को हम निकले थे और हमारी उम्मीद है कि हम 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे। मैं एज एन एनवायरमेंटलिस्ट चाहता हूं कि पूरे हिमालय का और खासकर लद्दाख का जो पर्यावरण है, जो संस्कृति है, जो हमेशा पर्यावरण का बचाव करती आई है, उनका संरक्षण हो। तो जहां जो प्रावधान संभव हो उसमें लोगों को भागीदारी का हक दिया जाए हिमालय भर के, क्योंकि अभी हिमालय पर हिमालय वासियों का कोई हक नहीं है। कोई भी कंपनी, कोई भी अफसर आके वो निर्णय करते हैं कि उनका क्या होगा। और ये खतरे से खाली नहीं है, सिर्फ यहाँ के बसने वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए। तो लद्दाख में हम जो प्रावधान चाहते हैं वो है संविधान का 6वां शेड्यूल, जिसके अंतर्गत स्थानीय जनजातियों को, उनकी संस्कृति को संरक्षित किया जाता है। और इसकी आश्वासन हमें अभी के सरकार ने 2019-20 में वचनों द्वारा दिया गया था, सरकार के मिनट्स में भी हैं। तो उस वचन को हम याद दिलाने जा रहे हैं और जाते हुए हम पूरे हिमालय भर में जहां जहां से हम जा रहे हैं, हिमाचल से यहां फुट हिल्स जो हैं उनसे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर घाटी का, हर वादी का संरक्षण हो, ताकि इनको अंधाधुन ऐसे शोषण न किया जाए जिस तरह से हो रहा है। तो कहीं लद्दाख में सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर के चरागों पर, जहां पश्मीना बकरियां चरती हैं, उन चरागों पर सोलर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं बिना स्थानीय लोगों के समन्वय के, वरना वो अच्छी जगह बताते, हम इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं है। वैसे ही हिमाचल में बहुत बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं फिर लोगों के समन्वय के बिना, और इसमें इनके गांव, इनके सभ्यता डूब जाएंगी। मतलब आप कह रहे हैं कि लोगों की भागीदारी हो, लोगों से पूछ करें। जी, करें भी तो उनके समन्वय के साथ करें, जिन पे, जिनका इन वादियों से हजारों सालों का नाता है और रहेंगे भी यही। वैसे ही नीचे जब आते हैं तो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, रेत की माइनिंग है, अंधाधुंध खिलवाड़ हो रहा है। ये यहाँ के लोगों के लिए तो होगा ही खतरा, मैं कह रहा था सभी के लिए है। तो इनका संरक्षण हो, ऐसा हम कह रहे हैं। संरक्षण सरकार करे नीतियों के साथ, संवैधानिक प्रबंधों के साथ, मगर साथ ही साथ हम नागरिकों को भी सचेत करना चाहते हैं कि आपको भी अपना जीवन सरल बनाना होगा। जिस तरह से आप चंडीगढ़ या दिल्ली या बम्बई में बिजली का इस्तेमाल कम और जाया ज्यादा करते हैं, ऐसे अगर आप करें तो पूरा हिमालय बर्बाद हो जाएगा। मैं आपका एक वीडियो अक्सर देख भी रहते हैं, आपने जब भी कोई बात की तो उसके पीछे ठोस कारण दिया। आपने कहा कि हम एसी चला लेते हैं, कि घर में 4 AC हैं, फिर कंबल रजाई ले लेते हैं। हाँ। तो इन चीजों को लेकर आपको लगता है कि लोगों के माइंडसेट के साथ भी तो चीज करनी चाहिए, हर चीज सरकार पे नहीं थोपी जा सकती? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार सोचती है कि वो इन लोगों की जिंदगी की जरूरतें पूरा कर रहे हैं, मगर इनकी जरूरतें नहीं है, ये अय्याशियां हैं। आपको क्या जरूरत है कि 45 डिग्री में 20 डिग्री का ठंड बनाकर रजाई पहने, दफ्तरों में 3-पीस सूट पहने, जो हम लद्दाख में भी नहीं पहनते हैं गर्मियों में। तो ऐसा खिलवाड़ अगर शहरों में हो तो पहाड़ तो बर्बाद होंगे ही। अगर ऐसा ना करें, आप जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करें, जो कि 1/10 होगा, 10% होगा जिसपे हम रह सकते हैं आराम से, तो फिर यहाँ भी 10% विनाश होगा हिमालय में। तो ये सीधा संबंधित है लोगों की जीवन शैली से। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जीवन शैली को हम सरल बनाएं, हम पश्चिम की नकल न करें। न्यूयॉर्क लंदन तो बिगड़े हुए सभ्यताएं हैं, हम कहाँ उनके पीछे अपना भी बिगाड़ रहे हैं, और हम सोचते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। तो हम विश्व गुरु उनकी नकल करके नहीं, उनको अकल देके हम विश्व गुरु बनेंगे। मैं जल्दी से 2 सवाल लेता हूँ। पहला तो ये कि जो मार्च है क्लाइमेट चेंज, चलो दिल्ली, आपने पैदल मार्च शुरू किया जी, आप दर्शकों को जरूर बताएं कि आप अपनी लाइफस्टाइल किस तरह से जीते हैं, क्या आपकी जिंदगी रहती है, क्या कभी आप एसी में जो सदियां बीत के यूज करते हैं, नहीं करते हैं, जहां पैदल चलते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या करते हैं जी? जितना संभव हो सकता है, मैं कोई फैनेटिक भी नहीं हूँ,
फैनेटिक समझते हैं ना आप, मतलब अंध भक्त भी नहीं हूं कि मैं ऐसे ही करूंगा। जहां जो प्रैक्टिकल होता है, जैसे लद्दाख में हूं तो मैं कभी आग नहीं जलाता हूं, सर्दियों के -30 में भी आग नहीं जलाता हूं। मैं ऐसे मकाने बनाता हूं जो सूरज की गर्मी से 20 डिग्री पे रहे, तो कभी आग नहीं जलाया, एक बूंद तेल नहीं जलाया आज तक मैंने। तो उस तरह से रहता हूं, चलता हूं तो कोशिश करता हूं जितना हो सके पैदल चलूं, नहीं तो साइकिल पे चलूं, नहीं हो पाए तो गाड़ी भी यूज करता हूं। ऐसा कोई फैनेटिक नहीं हूं जैसा मैं कह रहा था। कभी दिल्ली आऊं, चंडीगढ़ आऊं तो कोशिश करता हूं कि मैं एसी को बहुत 30 डिग्री पे रखूं और पंखा हो तो वो चलाऊं, और रजाई को पहले तो मैं सोचता था रजाई पहनने के लिए तो एसी 18 पे लाना ही पड़ेगा, तो बहुत दुविधा में पड़ गया कि कैसे सोऊं, क्योंकि एसी करूं तो रजाई पहनना पड़ेगा, रजाई ना पहनूं तो और कुछ है ही नहीं। अब मैं अपना एक चादर लेके चलता हूं, जो चादर पहनने पे 30 डिग्री और पंखा हो तो बिल्कुल आराम होता है। इसी तरह से पूरा चंडीगढ़ आराम से जी सकता है, कोई आराम में आपके फर्क नहीं आएगा, बस आप लगे हुए हैं कि लंदन में जैसा करते हैं वही करना है, क्योंकि हम गुलाम रहे हैं ना, तो गुलाम अपने साहब की तरह करना चाहते हैं, उसमें उनकी बर्बादी हो रही है फिर भी वही करेंगे। तो आप दिल्ली चंडीगढ़ का तरीका निकालिए और हम लद्दाख से लंदन को दिखाएंगे कि ठंडे जगहों में कैसे जीना होता है, फिर उनको समझ आएगा कि पर्यावरण और जो कार्बन एमिशन है वो कैसे घटाते हैं। तो भारत को दुनिया को सिखाना होगा, हम कहाँ उनके पीछे पीछे खाई में उनके साथ गिरने को आ गए। लास्ट सवाल, जो आपका मार्च है 2 अक्टूबर तक आप दिल्ली पहुंचने का टारगेट है, सरकारों तक आपकी बात जाती भी है, कितनी जाएगी, लोग कितना बदलाव आपकी बातों से समझेंगे, कितना आपको फीडबैक मिला? देखिए, सरकार से हमारी उम्मीद है कि हम पे नहीं तो वो जनता पर, लोकतंत्र है तो लोगों के लिए उनकी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, किसी भी अच्छे सरकार की होगी। जहाँ तक लोगों की बात है, हम हैरान हैं और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हैं कि कितना लोगों में जागरूकता है, कितना उनके दिलों में हमारे लिए प्यार है। हम लद्दाख से निकले, हिमाचल से होते हुए यहाँ पंजाब तक, लगभग हमें अपना लंगर खोलना नहीं पड़ा, लोगों ने सड़कों पे आ आ के खिला खिला के, लोग सोच रहे थे उनका वजन कम हो गया, यहाँ बढ़ गया सबका वजन, इतना खिलाया पंजाब के लोगों ने, हिमाचल के लोगों ने। तो इस तरह से, जिसका मतलब ये है कि इतने लोगों में यही सोच है कि कुछ बदलना चाहिए, ये जो अंधाधुंध हम विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए, वरना वो हमें इस तरह से क्यों स्वागत करते, हर जगह हमारे साथ चल पड़े, एक दिन दो दिन, कोई तो मैं दिल्ली तक ही चला जाऊंगा, ऐसे बहुत है हमारे साथ जो साथ हो लिए, कि हमारे लिए अब समस्या होने लगी है कि हम कैसे ले जाएं इतने सारों को, तो हम कहते हैं आप अपने शहर में एक दिन के लिए हमारे लिए साथ चलिए, वो बहुत है। जैसे कल हम 6:30 बजे सुबह इस गुरुद्वारा साहब से जा रहे हैं, तो चंडीगढ़ के लोग जुड़ सकते हैं, एक घंटा एक दिन उतना ही, और ज्यादा नहीं जुड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ये संदेश देश तक पहुंचाने का। बहुत कम मीडिया चैनल्स हैं जो इस तरह की खबरें हैं जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों के काम आएगी, ये नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ अय्याशियों को और बढ़ाते जाते हैं। ये एसी खरीदो, वो गाड़ी खरीदो।